वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एबल्स लिमिट थ्योरम की बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को। इससे पहले वीडियो में हमने एबल्स लिमिट थ्योरम के प्रूफ को पढ़ा है। आज हम यह देखेंगे कि एबल्स लिमिट थ्योरम किस तरीके से हेल्प करती है सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शो दैट फॉर एक्स बिटवीन -1 to 1, 10 इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 7 बाई 7 प्लस इस तरीके से, मतलब 10 इनवर्स x को आपको सीरीज एक्सपेंशन में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको ये पार्ट शो करना है कि 10 इनवर्स x इस फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, पाई बाई 4 का एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, पाई बाई 4 का सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। और पाई बाई 4 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7, एक अल्टरनेटिंग सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमको प्रूव करने हैं। अगर फर्स्ट पार्ट को आप देखें तो 10 इनवर्स x का सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप उस फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप टेलर्स थ्योरम से भी, मतलब फर्स्ट पार्ट को हम टेलर्स थ्योरम को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर हम सिंपल सीरीज की जो आपने टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, ये कुछ आपने रिजल्ट पढ़े होंगे सीरीज के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में, उनको यूज़ करके हम फर्स्ट पार्ट को ईजीली सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट का प्रूफ जो होगा वो एबल्स लिमिट थ्योरम की हेल्प से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक सीरीज को कंसीडर करूँगी, और वो जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं बताती हूँ कि कौन सी ज्योमेट्रिक सीरीज हम कंसिडर कर रहे हैं। वी नो दैट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर आप लिखें तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1। ठीक है, इसका जब आप सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे या बाइनोमियल में आपने पढ़ा होगा, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 6, ये तो कुछ इस तरीके से सीरीज एक्सपेंशन निकलेगा। ठीक है, इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन -1 to the power n x to the power 2n, n फ्रॉम 0 to infinity। देखिए, n की जगह जब 0 रखेंगे तो 1, ठीक है, प्लस साइन मिलेगा यहाँ पर, और x की, n की जगह 0 तो 1 फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। n की जगह जब 1 रखेंगे तो नेगेटिव साइन, यहाँ 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस तरीके से 2 रखेंगे तो पॉजिटिव साइन, x टू दी पावर 4। तो ये सीरीज को आप इस तरीके से समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सीरीज एक्सपेंशन ये है। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, समेशन n फ्रॉम 0 to infinity -1 to the power n x to the power 2n, ये सीरीज एक्सपेंशन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये इसका सम है। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज है और इसका सम कितना आएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिए, ये क्या है, पावर सीरीज। तो इस पावर सीरीज का सम इतना आ रहा है, ये सीरीज का सम जो है ये, मतलब 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस रेंज में पॉसिबल है। ठीक है, इसकी रेंज निकालने के लिए, दैट मीन्स ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी इस फंक्शन को, उसके लिए आपको इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास पावर सीरीज है। पावर सीरीज मैं इसलिए बोल रही हूँ, पावर सीरीज सिंपली इस तरीके से लिखते हैं, समेशन ए एन एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर n की जगह x टू दी पावर 2n, दैट मीन्स इवन पावर दी हुई है, ऑड पावर्स मिसिंग है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ए एन का अगर कंपैरिजन करें तो वो सिंपली -1 to the power n कांस्टेंट है। ठीक है, ए एन कितना दिया हुआ है, नॉट कांस्टेंट, एक्चुअली n के रिस्पेक्ट में देखना है तो -1 to the power n है। ठीक है, अब आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ए एन टू दी पावर 1 बाय n। ठीक है, ये आपको देगा 1 ओवर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब मॉड ए एन जब आप मॉडुलस लेंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, लेकिन मॉडुलस लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, +1। ठीक है, और पावर n है, 1 बाय n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली ये आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट 1। इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, 1।
तो यहाँ से ये हो गया कि ये जो पावर सीरीज है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो है, इसका सम है 1/1 + x² किस रेंज में, x की क्या रेंज होगी, -1 से 1। ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कितनी आ गई है, 1। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं सिंपली समेशन n फ्रॉम 0 to ∞ -1 to the power n x to the power 2n, दिस पावर सीरीज हैज सम 1/1 + x² फॉर द रेंज x फ्रॉम -1 to 1। इस रेंज के लिए ये सीरीज जो है, इस सीरीज एक्सपेंशन को आप इस फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा था, ये तो आप पहले भी यूज़ करते होंगे, इस फॉर्मूले को तो हमने बहुत यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन अब समझ आता है कि x की रेंज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला और इस सीरीज एक्सपेंशन को आप रिलेट करते हैं इस तरीके से, ये तभी पॉसिबल है जब x -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जाके समझ आता है। और आपने इसके बाद ये भी पढ़ा होगा कि अगर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ जाती है तो इस पावर सीरीज का ये सम है, ये कन्वर्जेंस कैसी होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि दिस पावर सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्यूटली इन दिस रीजन। कन्वर्जेंस कैसी होगी, इज यूनिफॉर्म एंड एब्सोल्यूट, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक सीरीज ऑफ फंक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को। आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन है f(n)x, अगर ये सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है किसी फंक्शन f(x) को, कन्वर्जेंस कैसी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है f(x) को, एंड ईच टर्म ऑफ सीरीज इज रीमान इंटीग्रेबल, अगर हर टर्म क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, देन तो आप क्या बोलते हैं, जो सम फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा, एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, ये रिजल्ट हम देते हैं। ठीक है, इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी रिजल्ट को यूज़ करके हम जो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले इस पावर सीरीज को इस फंक्शन की फॉर्म में लिखा। अब हमने ये भी बता दिया इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस -1 आई है, तो -1 से 1 के बीच में ये कन्वर्जेंस कैसी होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। अब इसकी हर टर्म को देखिए, हर टर्म क्या इंटीग्रेबल है, यस x^2n, ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, x^2n दैट मीन्स पॉलिनॉमियल, हर पॉलिनॉमियल इंटीग्रेबल होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, स्मूथ है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये रीमान इंटीग्रेबल है, अगर ये रीमान इंटीग्रेबल है और ये यूनिफॉर्मली किसको कन्वर्ज कर रहा है, 1/1 + x², तो बाय यूजिंग दैट रिजल्ट ये भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा, एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 का हम क्या लेंगे, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। तो आप डायरेक्ट, आपको ये रिजल्ट बस मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वहाँ पर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो सिंपली ये पावर सीरीज एक्सपेंशन लिखिए इतना, उसके बाद आप डायरेक्ट ये जो इक्वेशन 1 लिखी है वो लिखिए, और आप 1 का क्या कर लीजिए, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो टेकिंग टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, ये हम लिमिट दे रहे हैं। ठीक है, 0 to x समेशन n फ्रॉम 0 to ∞ -1 to the power n x^2n, इस इनफाइनाइट सीरीज का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इज इक्वल टू राइट साइड में अगर देखें तो 1/1 + x², तो इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx 0 to x। अब इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में इंटीग्रेशन और समेशन के साइन को, इन दोनों के ऑर्डर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे, समेशन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर जाएगा। इंटीग्रेशन आपको करना होगा -1 to the power n x^2n का, ये कॉन्स्टेंट है, इसको भी आप बाहर करिए। x^2n का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x^2n+1 / 2n+1, और लिमिट अप्लाई करनी है 0 से x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन होता है 10 inverse x। इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to x, यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे पहले x की जगह x ही रखना है। ठीक है, वो तो डमी वेरिएबल था, और इसकी जगह जब आप 0 रखेंगे तो पूरे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो सिंपली यही टर्म बचेगी, ठीक है, जो अपर लिमिट पे आपको मिलेगी, n 0 to ∞ -1 to the power n x^2n+1 / 2n+1। यहाँ पर आपको बच जाएगा 10 inverse x -10 inverse 0 is 0, तो 10 inverse x। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, 10 inverse x का एक्सपेंशन जो आया वो ये आया सीरीज एक्सपेंशन। इसको अगर आप खोल के लिखें, n 0 रखिए, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यहाँ पर 0 रखेंगे तो सिंपली x
वन रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर वन रखेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री, जब आप टू रखेंगे तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पर टू रखेंगे तो पावर हो जाएगी फाइव बाई फाइव, फिर नेक्स्ट नेगेटिव साइन एक्स सेवन बाई सेवन। इस तरीके से टेन इनवर्स एक्स का क्या आएगा, सीरीज एक्सपेंशन, जो कि आपको फाइंड आउट करना था रिजल्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, ठीक है, बहुत ही ईजी था। सेकेंड पार्ट में आपको पाई बाई फोर के लिए एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स एक्स में पाई बाई फोर इसी एक्सपेंशन से आपको करना है, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा आपको फाइंड आउट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर कब आएगा पाई बाई फोर, व्हेन वी पुट एक्स इक्वल टू वन। अब ये ध्यान देने वाली बात है, क्या डायरेक्ट हम इसमें एक्स इक्वल टू वन पुट कर सकते हैं? डायरेक्ट देखिए, आप पुट करिए, जब आप वन पुट करेंगे तो टेन इनवर्स वन कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर। यहाँ पर जब वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही एक्स को वन हम रिप्लेस करें तो ये सीरीज मिल जाएगी। पर डायरेक्ट हम वन रख नहीं सकते, बिकॉज हमने ये जो टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है, वो हमने फाइंड आउट किया है रेंज बिटवीन माइनस वन एंड वन। यहाँ पर माइनस वन और वन दोनों ही पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब जब आप ये एक्सपेंशन लिख रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रेंज मेंशन कर दीजिए कि दिस टेन इनवर्स एक्स वैल्यू जो ये आपने फाइंड आउट किए, दिस इज़ फॉर एक्स बिटवीन माइनस वन एंड वन। ये आप कोई वन बाउंड्री पे आप नहीं दे रहे हैं। अब एक्स इक्वल टू वन पे तो ये होल्ड ही नहीं हो रहा है। अगर एक्स इक्वल टू वन पे होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी हमने मतलब प्रूव नहीं किया है, तो वन डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एबल्स लिमिट थ्योरम को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन टू को ही रीराइट कर रही हूँ नेक्स्ट इधर। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, टेन इनवर्स एक्स का जो आपने एक्सपेंशन लिखा है वो हम लिख देते हैं वापस, समेशन n फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर n x टू द पावर टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू n प्लस वन। ठीक है, यही आपने एक्सपेंशन लिखा है टू से। अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एबल्स लिमिट थ्योरम को। एबल्स लिमिट थ्योरम को थोड़ा हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। एबल्स लिमिट थ्योरम पावर सीरीज के लिए डिफाइन की जाती है, कि अगर आपके पास कोई पावर सीरीज है इस तरीके से और इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वन, दैट मीन्स इस पावर सीरीज का सम एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको हम डिनोट कर देते हैं एफ एक्स। ठीक है, व्हेन एक्स बिटवीन माइनस वन टू वन, इसके साथ एक कंडीशन दी जाती है, एंड इफ दिस पावर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट एट एक्स इक्वल टू वन। ये पावर सीरीज कहाँ पर कन्वर्जेंट है, एक्स इक्वल टू वन, दैट मीन्स समेशन ए एन अगर आपके पास कन्वर्जेंट आ जाए, ठीक है, देन तो आप क्या कहते थे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग वन एफ एक्स, इसकी कितनी वैल्यू होगी, एफ वन। ठीक है, ये रिजल्ट देते थे। सेकेंड हम कहते थे, इफ़ दिस पावर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट एट माइनस वन, दैट मीन्स एक्स की जगह माइनस वन रिप्लेस करते थे, तो सेकेंड रिजल्ट क्या होता था, या तो ये रिजल्ट होल्ड होगा, या फिर और इफ़ माइनस वन टू द पावर एन ए एन, इफ़ दिस इज़ कन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज माइनस वन पे कन्वर्जेंट है तो एक्स की जगह माइनस वन रख दो, तो ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो फिर लिमिटिंग वैल्यू व्हेन एक्स अप्रोचिंग माइनस वन एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ माइनस वन। यहाँ पर वन को अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसलिए वन माइनस ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर माइनस वन को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, इसलिए माइनस वन की पावर प्लस वन। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, माइनस वन से वन रेंज हमारे पास यही पॉइंट्स अवेलेबल है, तो वन को अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दैट्स वाई वी राइट इस तरीके से, एंड माइनस वन को अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम द राइट साइड, तो आप लिखते हैं माइनस वन और ऊपर पावर प्लस वन। ठीक है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड वाले पॉइंट से हम अप्रोच कर रहे हैं इन इस माइनस वन को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो रिजल्ट है। तो अब हमें ये देखना होगा, पहले तो ये देख लीजिए, ये पावर सीरीज टेन इनवर्स एक्स इसका सम है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, माइनस सॉरी वन। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन तो होल्ड हो रही है। यहाँ पर ये क्या है हमारा एफ एक्स, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, उसे कंपैरिजन करने के लिए एबल्स थ्योरम से। ठीक है, इतना हो गया। अब आप ये देखिए कि क्या ये पावर सीरीज वन या माइनस वन किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट है या नहीं, और फिर हम एबल्स लिमिट थ्योरम को लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहले एक्स इक्वल टू वन के लिए करते हैं, तो जैसे ही एक्स इक्वल टू वन रखेंगे, ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू वन द पावर सीरीज, दिस पावर सीरीज विल रिड्यूसेज टू एन, समीशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन, एक्स की जगह वन आ जाएगा, तो बस ये बचा रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में टू एन प्लस वन। इस सीरीज को देखिए, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये साइन प्रोवाइड करेगा, और ये जो इसके साथ एक्स्ट्रा लगा हुआ है वन ओवर टू एन प्लस वन, बाई यूजिंग लेबनीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज पर आप लेबनीज टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और उस टेस्ट से
आपको ये देखना होता है कि जो साइन के अलावा जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव पार्ट है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये डिक्रीजिंग है। टेंडिंग टू ज़ीरो होना चाहिए, वो भी ये सीक्वेंस किसको टेंड कर रही है, ज़ीरो को। तो आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग लेबनीज टेस्ट दिस अल्टरनेटिंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, दिस इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपने ये सिंपली देख लिया कि x इक्वल टू वन पे ये सीरीज कन्वर्जेंट है। इसका मतलब एबल्स लिमिट थ्योरम की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एबल्स लिमिट थ्योरम, एबल्स लिमिट थ्योरम क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग वन एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ वन। ठीक है, लिमिट आपको सीरीज की फॉर्म में देना है, तो एफ एक्स जो है वो कितनी वैल्यू है, टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन कितना है, ये एक्सपेंशन है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करिए, यहाँ पर एफ एक्स की जगह सिंपली मैं लिख देती हूँ समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन एक्स टू द पावर टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन। और एफ ऑफ वन, एफ एक्स की क्या वैल्यू है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो टेन, सॉरी, आप क्या यूज़ करेंगे, 10 इनवर्स 1। ठीक है, आपने एफ एक्स को क्या एज्यूम किया है यहाँ पर, 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। लेफ्ट साइड को लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, बिकॉज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, लिमिट और समेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, और लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर x की जगह 1 जब रिप्लेस करेंगे तो सिंपल ये कितना आ जाएगा, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन इक्वल्स टू पाई बाई फोर। खोल कर जब आप लिखेंगे तो पाई बाई फोर, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको आप एक्सपेंड करिए, ज़ीरो रखेंगे तो पॉजिटिव साइन वन, माइन फिर जब वन रखेंगे तो नेगेटिव साइन, वन ओवर थ्री प्लस वन बाई फाइव। इस तरीके से आपको एक अल्टरनेटिंग सीरीज मिल जाएगी। तो ये एक्सपेंशन किसका है, पाई बाई फोर का ये एक्सपेंशन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बात है कि यहाँ पर हम पाई जो कि इरेशनल नंबर है उसका एक सीरीज एक्सपेंशन दे रहे हैं, जो कि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमने फाइंड आउट किया है बाई यूजिंग एबल्स लिमिट थ्योरम। अब हम ये देखते हैं कि क्या एक्स इक्वल टू माइनस वन लगा कर भी इस रिजल्ट पर पहुँचा जा सकता था। यहाँ तक आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो ये फाइनल है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या एक्स इक्वल टू माइनस वन पे हम लगा सकते हैं एबल्स लिमिट थ्योरम। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पे आप कब लगाएंगे, जब ये पावर सीरीज एक्स इक्वल टू माइनस वन पे कन्वर्जेंट हो। तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि एबल्स लिमिट थ्योरम जो है वो माइनस वन पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन वो जो पावर सीरीज है समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन और x टू द पावर टू एन प्लस वन है, तो x की जगह माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, समेशन n फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर और माइनस वन, ये टोटल पावर कितनी हो गई, ये तो टू एन है, तो ये तो इवन पावर है, टू एन को हटा दो तो सिंपली माइनस वन टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन। ये भी सीरीज क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है डिक्रीजिंग है, कन्वर्जिंग टू ज़ीरो, सो बाई लेबनीज टेस्ट दिस इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। इसका मतलब एबल्स टेस्ट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस वन एफ एक्स कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस वन, और लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस वन एफ एक्स की वैल्यू आप सीरीज की फॉर्म में रख दीजिए, ये मैंने रख दिया यहाँ पर सीरीज की फॉर्म में, और एफ ऑफ माइनस वन दैट मीन्स टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स वन पे पाई बाई फोर, माइनस वन पे हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, और यहाँ पर जब आप माइनस वन रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन की पावर टू एन प्लस वन, वो अभी हमने देखा वो कितना आ जाएगा, माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई फोर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस वन की पावर एन प्लस वन है, तो माइनस वन की पावर एन और इस प्लस वन को हम बाहर कर देते हैं, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो फिर से पाई बाई फोर का ही एक्सपेंशन मिल रहा है, सेम एक्सपेंशन। ठीक है, तो पाई बाई फोर के ही दोनों मतलब एक्स इक्वल टू वन को पुट करके और एक्स इक्वल टू माइनस वन को पुट करके हमको पाई बाई फोर का ही एक्सपेंशन मिलेगा। तो आप बस एक्स इक्वल टू वन या एक्स इक्वल टू माइनस वन कोई भी लिमिट
पुट करके एक रिजल्ट निकाल लीजिए, आपको पाई बाय फोर का एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से एबल्स लिमिट थ्योरम का यूज़ करके हम कुछ सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि इनिशियली जब आपने सीरीज को कंसिडर किया है, जैसे कि यहाँ पर 1/1 + x² की जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसको आप कंसिडर करके चल रहे हैं, तो ये कैसे आप याद रखेंगे कि 1/1 + x² इस फंक्शन को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको टेन इनवर्स एक्स के लिए सीरीज एक्सपेंशन पूछा है, ठीक है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप करेंगे, ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x². तो इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब आप 1/1 + x² को लेके चलेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यही चाहिए, तो बस इस तरीके से थोड़ा आपको याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करिए तो 1/1 + x², इसका आप ज्योमेट्रिक सीरीज एक्सपेंशन लेके चलिए, फिर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन अप्लाई करो और फिर आप इस सीरीज तक पहुँच जाएंगे। एबल्स लिमिट थ्योरम का यूज़ करके आप इस एक्सपेंशन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने ना log 1 + x इस फंक्शन के लिए सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पर इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 + x, या फिर आप क्या ले सकते हैं 1/1 - x, इन दोनों में से किसी भी एक फंक्शन की सीरीज को कंसीडर करके भी इस सीरीज के एक्सपेंशन तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, आई थिंक 1/1 - x, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 1/1 - x को हम लेके चले थे, इसका हमने ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी थी और फिर हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोज़ आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हैं। थैंक यू।